हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है। तो जल्दी से एग्ज़ाम में बैठने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर्स भी मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। और दोस्तों के साथ इस पेपर को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको सभी क्वेश्चन के पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपका जो पेपर है हमारे लिए जो हम डालेंगे आपको तुरंत पहुंच जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इज दिस द फीस्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर? क्या यह भोजन प्राइम मिनिस्टर के लिए है? तो यहाँ पे जो फीस्ट है उसका मतलब बताना है। तो फीस्ट का मतलब होता है भोजन, और मील को भी क्या कहते हैं हम? भोजन कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, लेस देन 3% ऑफ ऑल ऑफ वाटर ऑन अर्थ, मोस्ट ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिच हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल? तो हॉस्पिटल से कौन सा रिलेट नहीं है? हॉस्पिटल में क्या नहीं होता है? डॉक्टर होता है, पेशेंट होता है, नर्स होता है, लेकिन शॉपकीपर नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्टेज ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। तो जो पानी का वेस्टेज होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, देखिए कौन सा इसमें से डिफरेंट है? तो ब्लड में क्या बोल रहा है? आ बोल रहा है। फूल में ऊ बोल रहा है। देखिए, फूल में ऊ बोल रहा है, पूल में ऊ बोल रहा है, और टूथ में भी ऊ बोल रहा है, लेकिन ब्लड में आ बोल रहा है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एज यू आर न्यू इन ए स्कूल, यू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड, शू शुड बिहेव। तो जैसा कि तुम नए हो स्कूल में तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सभी सीनियर से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। एट दिस मोमेंट सडन शाउट ऑफ जॉय क्या हो जाएगा? एट दिस मोमेंट, दिस मोमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, तो इसका हो जाएगा हियर। हियर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें एक तो डी लगाना है और एक ई डी लगाना है। तो आस्क में क्या होगा? ई डी लगेगा, तो ये आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। और इसमें केयर में डी लगेगा, तो केयर्ड हो जाएगा। तो दोनों को लिख लीजिए। इसके बाद टूथ का बहुवचन क्या होता है? टी डब्ल्यू टी एच होता है। एस नहीं लगेगा इसमें, तो गलती मत करना, टी डब्ल्यू टी एच हो जाएगा। और मैन का बहुवचन क्या होता है? ए की जगह ई हो जाता है। और ऐसे ही वूमेन होता है, तो वूमेन में भी ई की जगह ई हो जाता है बहुवचन में। तो ये दोनों ही ध्यान रखने हैं, मैन और वूमेन के। तो बहुवचन कैसे बनेगा? ई लग जाएगा एम की जगह, ए की जगह। ये लवली हो जाएगा, एल ओ बी ई एल वाई, लवली हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका बिफोर, बी ई एफ ओ आर ई। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द, आपको री राइट लिखनी है कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो ही गेव, देखिए जी ई बी नहीं होता है, क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पे ई की जगह क्या हो जाएगा? गेव हो जाएगा। ऐसे ये करेक्ट, करेक्ट क्या हो जाएगा? गेव हो जाएगा। इसके बाद देखिए, टू नहीं होता है, क्या होता है? टी डब्ल्यू ओ। क्या होता है? टू, टू, क्या टू की स्पेलिंग क्या होती है? टी डब्ल्यू ओ होती है, टू मतलब दो। हंड्रार्ड नहीं होता है, क्या होता है? एच यू एन डी आर ई डी होता है, आर ए डी नहीं होता है। और रुपया नहीं होता है, क्या होता है? रुपी होता है, आर यू डबल, आर यू पी डबल ई। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपको देखिए क्या हो जाएगा, ड्राइव अल्ट अटेंटिवली, ध्यान से ड्राइव करनी चाहिए। सो दैट क्या हो जाएगा इसमें? सो दैट हो जाएगा, यू कैन रीच होम सेफ, तो सो दैट आएगा इस खाली जगह में। और इसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं, जैसे डॉट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, पहला वर्ड कैपिटल हो गया, और आपको नाम का वर्ड भी कैपिटल आता है। तो इसमें देखना है, देखिए आर यू नॉट गोइंग, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क लगेगा पहले, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए, सिंस देन आई बैंक नो मोर, इसमें फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका, ये आपको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कैलाश गादौता, ये क्या है? इसका पूरा नाम है कैलाश गादौता, कैलाश गादौता हो जाएगा। और इसके बाद आपका हो जाएगा लिव्स इन दी विलेज, कैलाश गादौता लिव्स इन दी विलेज। पहले पर कैलाश, दूसरे पर गादौता, तीसरे पर लिव्स, चौथे पर इन,
चौथे पर एन और पांचवे पर दी विलेज, तो ये पांचवे पर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए बजरंग पहले पर आ जाएगा, बजरंग और बजरंग किक्ड ये दूसरे पर आ जाएगा, बजरंग हैज्ड सॉरी यहाँ पे देखिए ये दूसरे पर आएगा, ये दूसरे पर आ जाएगा बजरंग हैज किक्ड, ये तीसरे पर आ जाएगा, द चौथे पर आ जाएगा और बॉल किस पर आ जाएगा पांचवे पर, द बजरंग हैज किक्ड द बॉल, इस तरह से हो जाएगा। इसमें सो दैट जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, इट रेन्ड हैविली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें सो दैट जुड़ जाएगा, तो डॉट को हटा के सो दैट जोड़ के पूरा लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें देखिए कीप ऑन दी वाइल वॉकिंग, चलते समय हमें कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, और बी शुड ओवरटेक द व्हीकल राइट, तो पहले में लेफ्ट हो जाएगा दूसरे में राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। व्हाट डज इंडिया हैव, तो इंडिया के पास क्या है, तो इंडिया के पास क्या है, ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, तो वाटर हार्वेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द बिल्डिंग इन दिल्ली कंज्यूमर रेन वाटर, तो रेन वाटर कहाँ पर है, राजस्थान, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन हो जाएगा। और इसका व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल इसको ढूंढना है, इसको वीडियो को पॉज करना है, आपको रोकना है और इसके आंसर ढूंढने हैं। इसके बाद देखिए इसका बता देता हूँ मैं, शॉर्ट का क्या होता है, लॉन्ग होता है, और ऑप्शनल का क्या होता है, नेसेसरी होता है। देखिए शॉर्ट का क्या हो जाएगा, एल ओ एन जी हो जाएगा, और ये ऑप्शनल का क्या हो जाएगा, नेसेसरी, तो इस तरह से आपको ढूंढना है। इसके बाद ये सेकेंड पैसेज है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर किसने इन्वेंटेड किया था, तो ये नाम आ जाएगा हरमन हॉलरेथ का। और व्हाट नेम वाज गिवन द फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इलेक्ट्रिक टॉबलेटिंग सिस्टम। इसके बाद ये दूसरा तीसरा ये करने हैं। इसके बाद काइंड का मतलब होता है, काइंड का सेम मीनिंग बताना है, तो प्लीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लीज हो जाएगा, तो प्लीज भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए प्लीज ये रहा, प्लीज और काइंडली एक ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, तो द मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर आर डिजिटल एंड एनालॉग, दो टाइप होते हैं। इसके बाद ये दूसरा तीसरा पैसेज है, इसके आंसर देने हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन, फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन कौन था, तो इसका हो जाएगा सुश्रुता हो जाएगा। हु डिड सुश्रुता एडवाइजेज हिज पपिल, अपने स्टूडेंट को क्या एडवाइस दी उसने, तो ही इवन एडवाइज हिज पपिल टू यूज डेड बॉडीज फॉर प्रैक्टिस बिफोर सर्जरी, तो सर्जरी से पहले डेड बॉडी को सर्जरी करना है, इस तरह से उसने दी थी। इसके बाद ये है, वन वर्ड बताना है, द पर्सन हु स्टडी साइंस, तो साइंस की स्टडी करने वाला कौन होता है, साइंटिस्ट होता है, तो ये साइंटिस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा, स्टूडेंट्स का सेम मीनिंग क्या होता है, पपिल होता है, क्या होता है, पपिल, ये रहा पपिल लिखना है इसमें। और इसके बाद ये आपको रीअरेंज करना है, ये घटना है, पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले क्या होता है, वंस अपॉन ए लॉयन हो जाएगा ये पहले पर, और ये हो जाएगा इट वॉज स्लीपिंग द लॉयन बिकेम एंग्री, ये दूसरे पर हो जाएगा, और यहाँ पे ये तीसरे पर हो जाएगा ए लॉयन और द मॉइस बिगिन जंप टू बॉडी, तो ये चौथे पर हो जाएगा और ये पाँचवें पर हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैंने निशान लगा दिए हैं, उस तरीके से आपको ये लिखने हैं। इसके बाद ये आपको लेटर लिखना है, इनवाइटिंग योर बर्थडे पार्टी, अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना है। और इसके बाद ये है आपका, ये आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपको एक दिन की छुट्टी के लिए, तो एक दिन की छुट्टी, फीस माफ, बीमारी और टीसी, ये चार में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, इन चारों को कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको माई विलेज पर लिखना है, माई विलेज, माई बेस्ट टीचर, माई हॉबी, और जो मॉर्निंग है डेली मॉर्निंग, उस पर भी आपको मॉर्निंग वॉक पर भी आपको याद करना है। इसके बाद ये स्टोरी है, या तो आपको पैराग्राफ लिखना है ऊपर वाला, या आपको ये स्टोरी लिखनी है एलिफेंट और ये वाली, एलिफेंट और टेलर वाली। तो दोस्तों इनको जल्दी से तैयार कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और पेपर भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।